कैरेक्टरिस्टिक आधा पढ़ा दिए थे, आज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स का 14 नंबर हम लोग पॉइंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेथ के बारे में पढ़ा दिए कि जो एक बार जन्म लिया है उसका हर हालत में, अगर लिविंग बींग्स है तो उसको मरना हर हालत में है ही। नेक्स्ट इसके बाद 15 नंबर में हम क्या बताए थे, बोलिए, डेथ के बाद क्या बताए थे, लाइफ साइकिल, क्या बताए थे, लाइफ साइकिल। अगर जो एक बार जन्म लिया लिविंग बींग्स है उसका अगर जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो हर हालत में उसका बर्थ होने के बाद क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट, बर्थ के बाद क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा ही होगा। ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योरेशन उसमें आएगा ही आएगा, बड़ा होगा ही होगा। मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, उसका उम्र बढ़ेगा, एजिंग होगा, और फाइनली एजिंग के बाद क्या हो जाएगा, उसका डेथ होना ही होना है। अगर लिविंग बींग्स है तो ये होना ही होना है। 60 नंबर में हम क्या बताए थे, सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें कोई दूसरा मेल्प हेल्प नहीं करेगा। सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है, देखोगे यहाँ सेल्फ रेगुलेशन में आप लोग का क्या होता है, कई ऐसे काम है जिसमें दूसरा हेल्प नहीं करेगा, हमारा बॉडी खुद ब खुद करता है। मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हम लोग के बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन, ये सारा काम हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद चल रहा है। नहीं अब डायलिसिस वगैरह मत बोलना, ठीक है, वो तो आपको इमरजेंसी में यूज किया जाता है। आपका ग्रोथ खुद ब खुद, हम लोग का बॉडी है तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, डेवलपमेंट होगा ही होगा, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के बाद रिप्रोडक्शन भी हम लोग में होगा ही होगा। तो ये सारा सारा सेल्फ रेगुलेशन खुद होता है। 70 नंबर हम क्या बताएं, मूवमेंट बोले। अब मूवमेंट भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए थे, कौन कौन सा कैटेगरी में बोले, एक जिसमें बॉडी पार्ट हिलेगा मूव करेगा नहीं, और एक में हम क्या बोले कि हम लोग का फुल बॉडी मूव करेगा, जिसको लोकोमोशन कहते हैं। फुल बॉडी जब मूव करेगा तो कहो उसको लोकोमोशन होता है। तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ये दोनों तरह का मूवमेंट दिखता है, एनिमल्स में ये दोनों तरह का मूवमेंट दिखता है। लेकिन प्लांट में अगर देखा जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ बॉडी हिलेगा, लेकिन फुल बॉडी उसका मूव नहीं करता है। क्लियर है, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होगा आपका, प्लांट में देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या कहोगे आपका, जैसे स्टोमाटा, स्टोमाटा पड़े हो ना, एस्टोमाटा पड़े हो ना, ये पोर है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और यहाँ पर छोटा सा होल रहता है जिससे ट्रांसपिरेशन वगैरह होता है, पानी अंदर या बाहर या CO2 अंदर बाहर ये सब आता है। तो एस्टोमाटा वगैरह हो गया, ये मूवमेंट हो गया। या फिर आप लोग का प्लांट वगैरह में देखते हो लत्ता का नाम सुने हो, लत्तर, लत्तर, लत्तर का नाम सुने हो, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंड्रिल्स। नहीं क्या होता है टेंड्रिल्स, प्लांट ऐसे कोई बांस है इसके ऊपर चढ़ा दो तो ये इधर से सहारा के थ्रू क्या होता है, इधर से इधर इसके ऊपर लपटाते हुए चला जाता है, होता है ना ऐसा, नहीं इस तरह लत्तर चढ़ते रहता है। तो ये भी तो क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ बॉडी इसका मूव कर रहा है, प्लांट तो वहीं पर है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर दो तरह का हो गया, ठीक है। देखो कुछ, अब कुछ मूवमेंट जो होता है ना कि वो पूरी तरह से इंटरनल फोर्सेस के आधार पर मूवमेंट होता है, इंटरनल फोर्सेस नहीं, अंदर से फोर्स लगता है और तब मूवमेंट होता है जो कि अपने आप होता है, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक। कैसा मूवमेंट कहिएगा उसको, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, समझिए। यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स के द्वारा होता है शरीर के अंदर से अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हो जाता है, जैसे पलक झपकना नहीं, हिचकी आना, ठीक है, और कुछ बहुत सारे चीज मूवमेंट वगैरह रहते हैं ना, जैसे अचानक अचानक मूवमेंट होता है हम लोग का, जैसे हम लोग चल रहे हैं अचानक पाँव पड़ा, पाँव उठा लेते हैं, कुछ गड़ा पाँव में हटा लेते हैं, तो उसको कहेंगे ऑटोनॉमिक मूवमेंट। और कुछ क्या होता है तुम्हारा, एक्सटर्नल होता है, नहीं जैसे बोले भाई चलो कलम उठाओ लिखना स्टार्ट करो, मनीष सर बोल रहे हैं तो आपका पेन हाथ पकड़ेगा, लिखना स्टार्ट किया, मन कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा होता है। मम्मी पापा जो दबाव बनाए तो आप अपना उस काम को शुरू किए, तो ऐसा को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा को कहते हैं हम लोग पैराटोनिक मूवमेंट। याद आया, समझ में आया, मूवमेंट आया समझ में सभी को, ठीक है। 18 इतना पढ़े थे क्या, कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स का इतना नहीं पढ़े होगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन ना आपकी किताब में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन वगैरह हम लोग का नॉलेज बढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे हम क्या होते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, वो ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन आपको हाथ को बोलता है कि नहीं अभी सर बोले हैं मत लिखो, फिर अचानक बोलते हैं नहीं सर
कि लिखो, तो आप लोग का हाथ यहाँ ब्रेन ऑर्डर दिया आपके हाथ के मसल्स को, हाथ का मसल्स दिया फिंगर को, फिंगर उसके बाद यहाँ से सुन रहा है, देख रहा है और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सारे सारे जितने भी ऑर्गन है सब में आपस में कोऑर्डिनेट किया, सही ढंग से कोऑर्डिनेट किया तो सही लिख रहे हो, गलत ढंग से कोऑर्डिनेट करेगा गलत लिखोगे। आपका जब साइकिल चलाते हो तब का आपका हैंडल हाथ संभाल रहा है, ब्रेन बोल रहा है नहीं वहाँ गड्ढा है घुमा दो, अरे यहाँ सीधा चलाओ, यहाँ पर आ गया ब्रेक मारना है, अरे तेज यहाँ चलाना है खाली जगह है, तो वो सारा ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से। पाँव के मसल्स को बोलता है तेज चलाओ, पाँव के मसल्स को बोलता है धीरे चलाओ, नहीं सारा कोऑर्डिनेट करता है। तो हम लोग ढंग से चलाते हैं, जहाँ गड़बड़ करता है धड़ाम से गिर जाते हैं। और देखो अगर हम लोग को ढंग से अगर कोऑर्डिनेट करता है तो हम लोग का हैंडराइटिंग खूबसूरत बैठता है, और जब नहीं होता है कोऑर्डिनेट ढंग से नहीं करता है तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन किया वैसा लिख देते हैं। बच्चा को कोऑर्डिनेशन होता है तो बढ़िया से चलता है, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता तो हिलते जुलते वो गिर जाता है। तो अगर लिविंग बींग से तो मान के चलो कोऑर्डिनेशन वो लोग दिखाएगा ही दिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 19 नंबर। हाँ अब देखो हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म, अगर जिंदा है भैया तो मेटाबॉलिज्म तो करेगा ही करेगा। क्या सबसे बड़ा यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म, हम कल बताए थे आप लोग में, अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो उस मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और डिस्ट्रक्शन का काम है तो उस एन उसके मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म का काम। क्लियर है यहाँ पर? एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन का काम करता है, अगर हमारे बॉडी में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है दैट मीन्स एनाबॉलिक एक्टिविटीज है, और अगर हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दैट इज क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा, कैटास्ट्रॉफी, आपदा, आपदा तो पड़े हो गए, कैटास्ट्रॉफी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? वेरियस टाइप का लाइफ एक्टिविटीज, हम लोग को न्यूट्रिशन करना है, हम लोग को एक्सक्रीशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, अब मूवमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो सारे के ये सारे लाइफ प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अगर लिविंग बींग्स है तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पलंग है तो, पलंग है तो बस पड़ा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिले चाहे नहीं मिले। आवाज़ सभी को कट रहा है? सबसे पहले अगर लिविंग है देन पानी खोजो आप, वाटर इनटेक, देन क्या हो जाएगा, वाटर इनटेक, पानी तो हर हालत में लेगा ही। क्या अगर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कुछ भी चल रहा है यार, रेस्पिरेशन चल रहा है, न्यूट्रिशन चल रहा है, एक्सक्रेशन चल रहा है, सब में पानी का जरूरत पड़ेगा। नहीं, लिविंग बींग्स का एक सबसे बड़ा खासियत है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब पानी वो लोग लेगा ही लेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? एक्सक्रीशन, अगर लिविंग बींग्स हो, अमीबा भी है यार, तो अमीबा भी खाने के बाद क्या करता है, उसका फूड वेक्यूल्स फटता है और यहाँ से खाना जो वेस्ट मटेरियल निकाल देता है। अगर लिविंग बींग्स है तो उसमें भी एक्सक्रीशन पक्का होगा, नहीं काम का चीज बनेगा वो हम लोग ले लेंगे, जो काम का नहीं होगा उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, अब इसके बाद देखो हम लोग में कंसियसनेस होता है, कंसियसनेस एंड इरेटिबिलिटी, इरिटेशन होता है ना, चिड़चिड़ापन। अगर इंसान हो, लिविंग बींग्स हो तो आप में ज्ञान भी होगा। अभी जैसे आया फोन, तुरंत मेरा दिमाग गया, अरे वहाँ फोन आ रहा है, नाम देखे हाँ स्टूडेंट का नाम आ रहा है तो तुरंत उठाएं, किससे बात करना है, नहीं बात करना है, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं होते हैं, अरे 7 बज गया, मनीष सर का क्लास का टाइम हो गया, हमारे भी दिमाग, अरे 7 बज गया, बच्चे लोग का बायो का क्लास लेना है। तो कॉन्शियसनेस ये सबसे बड़ा खासियत होता है। नहीं प्लांट वगैरह में भी रहता है, छुई मुई का प्लांट, टच मी नोट प्लांट रहता है, छुओ तो नहीं, तो बोलता है क्या है कि यहाँ पर कंसियसनेस, या एक तरह से कहो अवेयरनेस, नहीं अवेयरनेस क्या हो गया, आसपास इन्वायरमेंट में गर्मी लग रहा है तो हम लोग उफ बहुत गर्मी लग रहा है, और ठंडा रहता है तो ऐसे हम लोग सिकुड़ जाते हैं। नहीं ठीक है, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? और इरेटिबिलिटी भी क्या होता है कि जैसे नहीं चिड़चिड़ापन, किसी चीज से रहता है ना तंग आना, नहीं तो तंग आने पर हम लोग को तो थोड़ा सा झिलझिलाहट टाइप का तो होता है। इरिटेबिलिटी का हो या सेंसिटिविटी का हो, इरिटेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। क्लियर है? सेंसिटिव होते हैं हम लोग, चाहे प्लांट हो, प्लांट भी सेंसिटिव होता है, हम लोग भी सेंसिटिव होते हैं। नहीं जैसे रहता है हम लोग चल रहे हैं, अचानक काफी तेज आवाज, कितना तेज आवाज आया, नहीं तेज रोशनी आया, तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? प्लांट के द्वारा भी दिखाया जाता है और एनिमल्स भी दिखाया जाता है। जैसे अगर हम लोग के पाँव में कुछ गड़ गया तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, इरिटेबिलिटी, इसी को हम लोग तुरंत अपने पाँव को खींच लेते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि लगता है कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, नहीं तो तुरंत हम लोग को क्या होता है, सेंसिटिव होता है, लगता है कुछ पीछे आ रहा है, पीछे घूम के देखे भागो, नहीं लगता है काटेगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इसके बाद आता है आप लोग का देखो चौथा चीज, 24 नंबर क्या हो जाएगा, हीलिंग। हीलिंग क्या होता है, छोटा सा घाव हो गया, क्या घाव होता है तो क्या करते हैं वो ऑटोमेटिक हम लोग का जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसको क्या करता है, वो ठीक कर देता है। तो अगर लिविंग बींग्स है तो खुद ब खुद, प्लांट में भी ये होता है, एनिमल्स में भी होता है, अगर कुछ होता है हल्का फुल्का कट छोट गया वो खुद ब खुद सही हो जाता है। और लास्ट एक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रीजेनरेशन। ये भी एक खास बात होता है, री री मतलब जहां भी री लग गया रिप्ले करो, रिवाइंड करो, नहीं रिवर्स गियर में ले जाओ, रिपीट करो। री मतलब हो गया फिर से, जेनरेशन मतलब जेनरेट करना। नहीं रीजेनरेशन में क्या होता है, खोया हुआ हिस्सा, जैसे बाल हम लोग को चला जाता है फिर बाल आ जाता है, नेल्स चला जाता है फिर आ जाता है, नहीं। और उसमें क्या होता है, कई एनिमल्स और प्लांट तो ऐसे एक हिस्सा कट गया फिर हो जाता है, जैसे आप लोग क्या वो प्लांट होता है सहजन, काटो उसका फिर टहनी उग जाएगा, प्लांट वगैरह काटो फिर से टहनी उग जाता है, नहीं। एनिमल्स में आता है जैसे आप लोग को हाइड्रा देखो, प्लेनेरिया देखो, अर्थवार्म रहता है, वो सब सारा का सारा इस प्रकार का रीजनरेशन का वो लोग में प्रोसेस रहता है।